थाना फतेहाबाद में दी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले के खिलाफ तहरीर पूर्व सांसद फूलम देवी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर कार्रवाई की मांग। थाना फतेहाबाद पहुंचे राष्ट्रीय निषाद एकता कार्यकर्ता। राष्ट्रीय निषाद एकता कार्यकर्ताओं ने प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद को ज्ञापन देकर की कार्यवाही की मांग। सोशल मीडिया पर पूर्व सांसद और स्वर्गीय फूलम देवी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर राष्ट्रीय निषाद एकता के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा गया। आज राष्ट्रीय निषाद एकता के कार्यकर्ताओं द्वारा थाना फतेहाबाद पहुंचकर एक ज्ञापन प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद प्रदीप कुमार को देते हुए अवगत कराया कि विगत 25 जुलाई को पूर्व सांसद फूलन देवी के शहादत दिवस पर फेसबुक पेज पर ब्रज प्रताप सिंह राजपूत द्वारा स्वर्गीय फूलन देवी के संबंध में भाषा का प्रयोग करते हुए एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें संदेश दिया गया था कि दोपहर 22 लोगों के हत्याकांड की हत्यारा फूलन देवी को महिला मंडे तक करने की बात की गई थी। यही नहीं, इसमें ठाकुर मोहित जादौन जारोली द्वारा भी पूर्व सांसद फूलन देवी के संबंध में बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करने से राष्ट्रीय निषाद एकता और निषाद समाज में को भारी आघात पहुंचाने का काम किया है। इससे निषाद समाज में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद प्रदीप कुमार को ज्ञापन सौंपते कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से हरिओम निषाद अध्यक्ष राजेश निषाद, कोमल सिंह निषाद, अवधेश निषाद, कमल किशोर निषाद, किशन निषाद, मुकेश निषाद, सतीश निषाद, विजय निषाद, हरदेश भारती, कृष्णकांत निषाद, सोनू बाबू निषाद, महेंद्र कश्यप आदि प्रमुख थे। फतेहाबाद रिपोर्टर अभिषेक वर्मा। उत्तर देश में गया, पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया, फेसबुक के माध्यम से घरों पर भी मनाया उसी दिन। और ये फतेहाबाद विधानसभा युवा मोर्चा का प्रताप सिंह कोई ठाकुर जाति से है, ऐसा है ना, जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति तो नहीं होती, लेकिन कहना पड़ रहा है ये। और एक और उसमें इसने पोस्ट डाली थी ब्रजमोहन प्रताप ने कि मैं फूलन देवी के लिए और 26 तारीख को दिन में 12 बजे और लाइव आऊँगा, उसमें ठाकुर समाज को और मैं बताऊँगा क्या करना है आगे, मतलब फूलन देवी को मंडित करने के लिए। उसमें एक और है जरौली से लड़का है मोहित ठाकुर, मोहित राजपूत, उसने उसमें फूलन देवी को लेकर बहुत ज़्यादा अभद्र टिप्पणी की है और गाली गलौज दी है। अभद्र टिप्पणी इसने भी की है जो ब्रज प्रताप सिंह है। मैं केवल यही चाहते हैं, हम लोग राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जो हमारा संगठन है, आज हमारे संगठन को करीब 7-8 साल हो गए, उस संगठन के माध्यम से हम सभी नव निषाद समाज के अलावा और हमारे साथ पिछड़ा वर्ग और SC वर्ग पूरा हमारे साथ है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। साथ है मेरे साथ रहना चलाते हैं कोमल सिंह निषाद, राजेश निषाद, हरदेश भारती, बहुत सारे संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मौजूद इसमें इस बात को लेकर के हुए हैं कि जो सांसद वीरांगना फूलन देवी हैं उनको है ना यहाँ पे एक ब्रज प्रताप करके एक युवा मोर्चा का प्रभारी है यहाँ पे, उसने है ना एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे गलत संदेश जाता है, क्योंकि जो समाज का भाईचारा वो भी ख़त्म होता है। दूसरी बात, अपराध की कोई जाति नहीं होती, अपराध जिसने किया उसको उस हिसाब से सजा मिली। इनको क्या अधिकार मिलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीरांगना फूलन देवी सांसद के ऊपर इन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो गाली गलौज का इस्तेमाल किया। अगर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसीलिए कानूनी कार्रवाई के लिए यहाँ पर आए हैं। वो एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके गई थी और वो एक 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 आइकॉन थी जो विश्व की चौथी महिला विश्व ने दी थी कि विश्व की क्रांतिकारी महिला जो है वो भारत की पहली महिला है, वो भारत की पहली वाला है, विश्व की चौथी महिला रह चुकी हैं वो। ऐसी महिला के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी करके, अभद्र कमेंट करके, गाली गलौज करके, ये मतलब एक देश में एक प्रतिरोध फैला रहा है, एक संगठन को है ना चेता रहा है, एक जातिगत ले करके जा रहा है। जातिगत ना ले जा करके वो हम ये कहते हैं कि फालतू के कमेंट बाजी बंद करें और इसको प्रशासन है ना इसको सख्त कार्रवाई करे और उसको सजा दे। अमन उर्फ काले बरुआ, युवा जुझारू, संघर्षशील, कर्मठ, प्रधान प्रत्याशी, ग्राम पंचायत सुजानपुरा विकास खंड जतपुर कला, आगरा। राजा मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल की रिपेयरिंग की जाती है। थाना बाह के सामने बाह, आगरा।